प्रिय किसान भाइयों, मैं प्रेम किशोर दुबे आपका आज का जो समय है 5 मिनट के डिबेट में इस बात पर चर्चा करनी है कि मेरे लिए कौन सी फसल अच्छी होगी, गेहूं बोएं या सरसों, कौन सा बढ़िया होगा, किस में लाभकारी है हमारे लिए। हम आइए एक तुलनात्मक अध्ययन इस बात का कर लें, आप भी इस निष्कर्ष पर पहुँचें ताकि और हम भी इस निष्कर्ष पर पहुँचें क्या करें। मेरा भी धान की फसल जो सीधी बिजाई का था उनमें बालियां आ गई हैं, और आपकी भी जहां होंगे जो भी फसल होगी पक रही होगी या तैयार हो रही होगी। आप, मैं अपना विचार वीडियो से दे रहा हूं, आप अपने विचार मेरे कमेंट में करके दीजिएगा, आपकी क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप। किसान भाइयों, हम आज इस बात की एक टेबल आपके सामने पेश कर रहे हैं, आप इस पर बैठकर विचार करिएगा, सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि हम सरसों बोते हैं और गेहूं बोते हैं तो दोनों में क्या खर्च होता है। लास्ट में इस निचोड़ पर पहुंचेंगे कि दोनों के उत्पादन देखेंगे कि दोनों को उत्पादन करें देख लेंगे तो क्या हमें लाभ होगा। यही वो रास्ता है जिसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं कि हमारे लिए क्या लाभकारी है। तो पहला पॉइंट है जुताई कराना। यदि आप बुआई करने जा रहे हैं, चाहे सरसों बोएंगे चाहे गेहूं बोएंगे, खेत को आप एक बार आप कम से कम कल्टीवेटर से जुताई करेंगे, दो बांह पैरेलल हॉरिजॉन्टल, दो बार आपको उसको जुताई करानी पड़ेगी, दो बांह जिसको बोलते हैं, और दूसरी बार आपको रोटावेटर से उसकी मिलाई करानी पड़ेगी। ये कम से कम हम जुताई की बात कर रहे हैं, अधिक से अधिक तो और जो चाहे आप करें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना वो कम से कम जुताई है जिसको किए बगैर जुताई नहीं हो सकती है, बिना जुताई के खेत नहीं तैयार हो सकता। तो चाहे सरसों बोएंगे तो आपको उतनी जुताई करानी पड़ेगी, गेहूं बोएंगे तो भी जुताई कराने का खर्चा उतना ही आएगा। एक बार आप कल्टीवेटर से जुताएंगे और दूसरी बार आप रोटावेटर से उसकी मिलाई कराएंगे। तो हम ये निष्कर्ष पर हैं कि जुताई में सरसों और गेहूं की खेती में लागत जो आएगी, जुताई का खर्च जो आएगा बराबर आएगा। नेक्स्ट है बीज की दर। सरसों बोते हैं तो 1.5 किलो बीज प्रति एकड़ लगेगा हाइब्रिड बोने पर, देसी बोते हैं तो 1.5 किलो प्रति एकड़ लगेगा, हाइब्रिड बोएंगे तो 1 किलो में भी हो सकता है, अगर आप 1.5 किलो छिटकवा बो रहे हैं तो 1.5 किलो प्रति एकड़ बोइएगा, और एक एक बीज कायदे से ठीक से नाली बना करके बो रहे हैं तो 1 किलो में ही लग जाएगा। हम ऐसा करते हैं तो 1.5 किलो बीज का खर्चा, चाहे रिसर्च बोएं चाहे हाइब्रिड बोएं। गेहूं का बीज बोएंगे तो आपको 60 किलो बीज प्रति एकड़ लगेगा। सरसों के बीज का जो खर्च है वो रिसर्च बीज 200 रुपए किलो, हाइब्रिड बीज 600 रुपए से 700 रुपए किलो है, इसका दाम जोड़ लीजिए। गेहूं का बीज 30 रुपए किलो से कम का नहीं होता, इसका भी दाम जोड़ लीजिए। इस पर जो खर्च आ रहा है, मैं समझता हूं कि सरसों के बीज से गेहूं की बीज का जो खर्च है वो अधिक है। नेक्स्ट खाद पे, खाद पे जो खर्च आएगा, सरसों के बोते समय कम से कम 2 किलो प्रति बिस्वा डीएपी आप डालिए, 32 एक एकड़ जमीन है तो 50 किलो कम से कम डाल दीजिए, और इतनी ही खाद आप कम से कम गेहूं के बोते समय आप डीएपी डाल दीजिए 50 किलो, तो खाद बुआई पर लगभग लगभग बराबर आएगी। नेक्स्ट सिंचाई का खर्चा जो आएगा, वो सरसों की सिंचाई सिर्फ कहीं कहीं पर हमारे यहाँ तो एक ही बार में हो जाती है, और कहीं आपको लाल बलुई दोमट मिट्टी होगी तो दो बार सिंचाई करनी पड़ेगी। गेहूं किसी भी कीमत पर हम दो बार सींचते हैं, और बहुत सारी जगहों पर 4 पानी से पहले सिंचाई नहीं कंप्लीट होती गेहूं की। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि सिंचाई पर खर्च अधिक आएगा। आती है सिंचाई के बाद यूरिया का खर्चा। सरसों की खेती में यूरिया एक बार आपको डालनी पड़ेगी, 1/2 किलो प्रति बिस्वा के रेट से मिनिमम, और 2 किलो सल्फर।
गेहूं पर भी आधा किलो प्रति विश्वा के रेट से या एक किलो प्रति विश्वा के रेट से यूरिया और कम से कम 2 किलो सल्फर। लेकिन यूरिया आपको गेहूं में 2 बार से कम नहीं डालना है, कम से कम 2 बार डालनी पड़ेगी। पोटास आदि की खर्चा अलग से डालनी पड़ेगी। सरसों में इतनी खाद भी नहीं लगती, इसलिए खाद पर भी खर्चा आपका कम आएगा यदि आप केमिकली खाद कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, सरसों की बुआई के बाद घास मारने की कोई दवा, खरपतवार मारने की कोई दवा की जरूरत नहीं, क्योंकि सरसों का पेड़ बड़ा होता है, खरपतवार कोई जमता नहीं जल्दी, और जम भी जाता है तो छोटा रह जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गेहूं में बिना खरपतवार नाशक की दवा डाले हुए आपके लाभकारी नहीं होगा, तैयार नहीं होगी खेती। उस पर भी खर्चा आपका 1000 रुपए से कम नहीं आता, मैं दवाई मैं लेबर, सरसों में ऐसा नहीं आता। तो यहां पर सरसों की खेती हमारे लिए लाभकारी है। कटाई भी गेहूं की अपेक्षा सरसों की कटाई पे खर्च कम आएगा, उसका खर्चा आसान है। मड़ाई के लिए गेहूं की मड़ाई करना हो तो ज़्यादा खर्च आएगा, सरसों की मड़ाई पे कम खर्च आता है। हमारे यहाँ तो सरसों की मड़ाई करते समय ट्रैक्टर के जो ओनर होते हैं वे आपकी मड़ाई फ्री कर देंगे, उसका जो भूसा निकलता है उसको वो ईंट भट्ठे वाले ले जाते हैं और वो फ्री में मड़ाई कर देते हैं। गेहूं में ऐसा नहीं है, तो यहां पर आपकी मड़ाई का भी खर्चा आपका कम आएगा सरसों बोने पर। उत्पादन की बात अब हम कर लेते हैं कि यदि आप सरसों की खेती करते हैं तो कम से कम 9 क्विंटल प्रति एकड़, 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ निश्चित रूप से हो जाती है यदि आप अच्छी सरसों की खेती कर लें। ये अधिक से अधिक तो 12 क्विंटल से 14 क्विंटल भी हो सकती है, लेकिन आपकी परवरिश, आपकी मिट्टी, क्लाइमेट, ये तमाम कंडीशन है। हम मिनिमम आपका कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपका कम से कम 1 एकड़ में 8 से 9 क्विंटल सरसों जरूर पैदा हो जाएगी। और गेहूं को भी हम मिनिमम उत्पादन ले रहे हैं तो 15 क्विंटल जरूर पैदा हो जाता है, 12 से 15 क्विंटल तक। ये मैं अपने एरिया का सर्वे करके आपको ये बता रहा हूँ। आपके यहाँ कितना होता है आप जरूर कमेंट करना। हम आप एक दूसरे से किसान हैं, अपनी अपनी बातें एक प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं हम वीडियो के माध्यम से, आप कमेंट के माध्यम से। अगर आप 9 क्विंटल उत्पादन सरसों का किए तो जो मिनिमम रेट जा रहा है सरसों का, आज तो 80-85 रुपये किलो है, लेकिन 70 रुपये किलो से कम इसका रेट नहीं रहेगा। इस बार जो MSP बढ़ गई है इससे तो निश्चित रूप से अब रेट जो रखने होने वाला है वो 70 रुपये KG। और इस हिसाब से आप 9 क्विंटल खेत जो उत्पादन किए 1 एकड़ में, तो उससे आपका जो है कम से कम 63,000 रुपये की इनकम हो गई 1 एकड़ ज़मीन से। और इसी जगह पर आपने गेहूं जो 15 क्विंटल आपने पैदा किया है वो सरकार जो रेट निर्धारित किया है वो 20 रुपये किलो के रेट से निर्धारित किया है, यदि आपने 15 क्विंटल का गेहूं का उत्पादन किया तो आपने प्रॉफिट लिया 30,000 रुपये का। भूसे का भी दाम जोड़ लेते हैं अगर हम उसमें, तो 2-4 हज़ार और जोड़ लीजिए, 35-35 हज़ार हो गई। गेहूँ की खेती करने पर आपको 1 एकड़ में 35,000 रुपये की इनकम हुई, सरसों की खेती करने पे आपको 1 एकड़ में 63,000 रुपये की, 60,000 की इनकम हुई। मैं इस टेबल टॉक के आधार पर इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि सरसों की खेती हम कमर्शियली जितना आय करने के लिए, इनकम करने के लिए चाहते हैं उतना तो हम अधिक से अधिक सरसों बोलें, अपने खाने के लिए हम गेहूँ बोलें, ताकि उससे पशुओं का चारा भी हो जाएगा, हमारे घर के लिए खाने के लिए अच्छा सा गेहूं अनाज भी हो जाएगा। आप इस विचार से सहमत हों मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लें।